मोदी जी ही है, मोदी जी के सामने कोई फिलहाल कोई चेहरा है नहीं, तो वोट उनको ही जाएगा। 2029 में भी मोदी जी आएंगे, 24 तो छोड़िए, दूसरी पार्टी में कोई टक्कर का चेहरा ही नहीं है अभी तक। लेकिन ये लोग एक ही नहीं हो रहे, इनकी अंदरूनी लड़ाई अपनी अलग चल रही है कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा। लालू जी बोलते हैं इधर से मैं आऊंगा, और खड़गे जी बोलते उधर से मैं आऊंगा। ममता बनर्जी क्या लगता है, दिल्ली की लड़ाई में बंदर जीत जाएंगे? मोदी जी ही आएंगे। क्या मोदी जी का जो कार्यकाल 9 साल का पूरा हो गया, 10वां वर्ष चल रहा है, हाल ही अब रिसेंटली इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, किनको देखते हैं मोदी जी के मतलब प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में? मोदी जी है, मोदी जी के सामने कोई फिलहाल कोई चेहरा है नहीं, तो वोट उनको ही जाएगा। क्योंकि ना जो भी और दूसरी पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी है, लेकिन कोई भी, हाँ। वो भी बड़ी गठबंधन है, उसमें भी बड़े बड़े चेहरे हैं। हो सकता है खड़गे जी आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए, ममता जी आ जाए, ठीक है। लेकिन ये लोग एक ही नहीं हो रहे, इनकी अंदरूनी लड़ाई अपनी अलग चल रही है कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा। लालू जी बोलते हैं इधर से मैं आऊंगा, और खड़गे जी बोलते हैं उधर से मैं आऊंगा। ममता बनर्जी क्या लगता है, दिल्ली की लड़ाई में बंदर जीत जाएंगे? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे, हाँ। मतलब मोदी जी के लिए देखिए, ये सब राजनीति से हट के एक अलग लेवल का जो है कि दिख रहा है आपके अंदर, क्या काम पसंद आता है बीजेपी का या मोदी जी का? सब कुछ कर रही है, अपना विकास तो है ही, और सभी जाति धर्म को लेकर चल रही है पार्टी, और बढ़िया काम कर रही है। देखिए काम तो बढ़िया कर रही है, वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। विपक्ष का जो आरोप है राम मंदिर को लेकर के, बोल देते हैं कि उसके जगह में यूनिवर्सिटी बन जाता, हॉस्पिटल बन जाता, आपका अगर पैर कट जाएगा तो कहाँ जिएगा। दूसरी तरफ की बेरोजगारी दर भी बढ़ी है, कहाँ जाएगा। वो भी बनाई रही है, यूनिवर्सिटी हो या एम्स हो, वो भी बनी रहा है। ये थोड़ी है कि राम मंदिर की जगह पे ही आपको हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, है। वहाँ तो जो मंदिर था, ठीक है, तो वो मंदिर जगह मंदिर ही बनना चाहिए। दरभंगा एम्स को पारित हुए काफी टाइम हो गए, धरातल पर अभी तक नहीं आया। अब उसका तो देखिए नहीं कह सकते, वो अगर नहीं आया, आना चाहिए। पूर्णिया में एयरपोर्ट अभी तक नहीं आया। क्या चीज नहीं आया पूर्णिया में? पूर्णिया में एयरपोर्ट, ये सब विपक्ष का आरोप। नहीं, हाँ वो देखिए, लेकिन काम चालू हो गया। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि ये सब काम चालू हो गया पूर्णिया एयरपोर्ट का, ये सब चल रहा है काम। ऐसा नहीं है कि, हाँ सभी पार्टी में अच्छी बात भी होती है और थोड़ी बहुत नेगेटिव बात भी होती है, लेकिन ठीक है, कर रही है काम। तो कुल मिला के जो है मोदी जी को अगले वर्ष भी देखना चाहता है, अगले बार मतलब प्रधानमंत्री के रूप में? 2029 में भी मोदी जी आएंगे, 24 तो छोड़िए, 29 में भी मोदी जी आएंगे। और भी तो चेहरे हैं बीजेपी में, भी चेहरा ऐसा नहीं अब देखिए आजीवन किसी को नहीं। वैसे पूछ रहे हैं क्या मोदी जी के साथ? हाँ फिर तो चेहरे तो बहुत है, प्रधानमंत्री अब भी हैं तो चेहरे बहुत है, लेकिन दूसरी पार्टी में कोई टक्कर का चेहरा नहीं है अभी तक, ना भविष्य में होगा। भविष्य का अभी कुछ नहीं कह सकते, 5 साल बाद, लेकिन जो अभी कंडीशन है वो 5 साल बाद नहीं दिख रही है कि 5 साल बाद भी कोई होगा ऐसा, बाकी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आज जो बीजेपी में, वो कल कोई अच्छा नेता कांग्रेस में आ जाए। अगर देखा जाए मोदी जी को लेकर के इतना बोल रहे हैं, तो उनका जैसे कुछ कुछ काम अगर आप बता सके, जो कि बड़ा बड़ा काम जो कि हो गया, तो डिटेल में जैसे एक दो काम, जैसे मोदी जी अगर अच्छा लग रहे हैं तो हो सकता है कि काम किए होंगे तभी तो आपको पसंद आ रहे हैं, उनका काम अगर आप बता सके। विपक्ष आज ही बर्बाद कर दिए ऐसा। विपक्ष का तो देखिए वो तो है ही आरोप लगाना। आप मान लीजिए आज कांग्रेस ही सेंटर में होती तो वही काम बीजेपी करती, तो विपक्ष का काम वो बोलना ही है, चाहे अंदर से उनको भी पता, हाँ भाई ये आदमी ठीक कर रहा हो, लेकिन वो पार्टी के हिसाब से तो वो नेगेटिव ही बोलेगा कि ये सही नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बाकी काम अपना सही कर रही है पार्टी, चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।